जय श्री कृष्ण राधे राधे फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। मैं तो जन्माष्टमी में मेरे काना को झूला नहीं झूला पाऊंगी, बट आप लोगों ने झूला झुलाया होगा। ना तो मेरे पीड़ित हो जाने के कारण मैं दो दिन से काना को अपनी छू भी नहीं पा रही हूँ। जितनी भी तैयारी, जितना पंडाल, हाथी घोड़ा पालकी, जिसे काना का जन्म दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया है काना के लिए। बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं पहली बार इन 14 सालों में अपने काना को नहीं छुपाई हूँ। हाँ, एक बार और हुआ था जब मेरी दूसरी नंबर की वीडियो हुई थी, तब भी मैं अपने काना को झूला नहीं झूला। पंचम में से काना का स्नान करा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि पंचम में इतना सब चीज पड़ा रहता है, तो शायद से मांग रहे थे ये नारियल पानी से। अब ये गंगा जल से, अब ये शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। मेरी बेटी बीच में शायद की डिब्बी दे रही है, उसको नहीं पता था कि मैं पंचमृत में ही मुझसे सारा चीज डलवा दी थी। और फ्रेंड्स बताइएगा, मेरी बेटी ने जो तैयारी की है आपको कैसे लगा? दोनों पापा और बेटी ने मिलकर किया, और इन लोगों ने हर साल मेरी पूरी तैयारी कर दी। बताइएगा, अभी बहुत छोटी है, 10 साल की बच्ची है, और अपने हिसाब से अपने भाइयों को अच्छे तरीके से सब चीज़ पूर्ण तरीके से बनाया है, पंडाल भी अच्छा सजाया है। और पता है, मैंने काना के लिए कुछ भी नहीं बनाया, बेचारी सारा सामान बाजार से लगे, और पंचमृत खीर और पंजीरी स्वयं से भूजिए बनाई है, और मुझको दिखाती गई कि मम्मी आप खड़े हो जाओ और मैं भैया के लिए अपना प्रसाद बना लूँगी। तो मैं वहीं खड़ी होगी, सिंगाड़े के आटे की पंजीरी बनवाई और पंचमृत बनवाया और साबूदाने की खीर बनाई, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। देखिए अब आरती हो रही है, आरती के बाद सभी लोग झूला झूलाएंगे, पर मैंने ये सब लोगों ने आरती ले ली है, मैंने भी दूर से प्रणाम कर लिया, दूर से आरती ले ली। अब मेरे हस्बैंड दोनों कानों को झूले में बैठा के झूला झुलाएंगे। देखिए बिचारी ने कितने अच्छे तरीके से सजा कर रखा है 56 भोग, और इसने 56 भोग से तो ज़्यादा ही भोग लगा दिया था, क्योंकि 56 भोग तो ये बाज़ार से ख़रीद के भी लाई थी, और फल भी 7 तरह के थे, और जो पंजीरी वगैरह बनाई थी वो भी अलग से था, मक्खन मिश्री तो मेरी बेटी ने तो मुझसे भी ज़्यादा कर लिया। कहा मैं खाना का भोग ज़्यादा तक लगाती थी अपने हाथ से बना के, आज मेरी बेटी ने खुद से अपने भाई के लिए इतना सब कुछ किया, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे विश्वास है कि भविष्य में कभी मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो मेरी बेटी संपूर्ण रूप से अपने भाइयों की सेवा कर सकती है। अब झूला झूलाने की बारी आई है, बच्चे सब झूला चुके हैं, अब उनकी पापा की बारी है, तो अब वो उठ के जाएंगे झूला झूलाने। देखिए एक छोटा सा बच्चा कितने अच्छे से सजा सकता है, बताइए, इतनी तो मैं खुद नहीं सोच सकती थी। ये मेरी बड़ी बेटी झूला झूला रही है, फ्रेंड्स आपको कैसे लगा मेरी बेटी की तैयारी जरूर बताइएगा। ये इनके पापा हैं, पहले माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं, और
भगवान, ये तो जितना पूरा सामान था सबका ही भोग लगा दिए, ना ये थके और ना मेरे कान्हा जी इनके हाथ से भोग लगाने में थके। जितना भी सामान था सब चीज़ भोग में खिलाया है, मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं था कि जिसमें तुलसी पत्ती ना पड़ी हो और भोग ना लगाया गया। सारा चीज़ बेचारे ने उठा उठा के लगाया, सारे बच्चों ने सारी कटोरियों में एक एक पत्ती तुलसी दल भी डाला। मैं बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स की, मैं कुछ सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी इतनी छोटी छोटी सी बच्चियाँ वो इतनी अच्छी व्यवस्था कर सकती है। फ्रेंड्स कहते हैं ना, जिसके मन में कान्हा है वो अपने लिए जगह बना ही लेता है। और बताइए, मेरी तीनों बेटियों ने मिलके पूरी पूजा संपन्न की अपने पापा के साथ। मेरी छोटी वाली बेटी तो पूछ रही थी, मम्मी कान्हा के जन्मदिन में केक क्यों नहीं आता। फिर मैंने उसे बोला कि कान्हा को केक नहीं खिलाया जाता है। श्री कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स।